जरा सोचो कि एक माचिस की तिल्ली जलाने के बाद इतना आग बनता है, और उसी तरह से अगर हम बहुत सारा माचिस को जलाएंगे तो कितना आग देगा। आज के इस वीडियो में होने वाला है बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया है एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 6-6 माचिस की डिब्बे को एक बोतल में भर के ट्राई करेंगे कि ये कितना आग बनने वाला है और कितना बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर एक माचिस की तिल्ली को जलाती हैं तो मिनिमम ये 2 से 5 से 7 सेकंड तक जलता है, यानी 20 सेकंड तक जलता है, लेकिन बहुत सारे माचिस को एक साथ जलाया जाए तो क्या होने वाला है। तो एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने बहुत सारे माचिस ली है और एक डब्बा लिया है, और इस डब्बे में मैंने पूरा माचिस को भर देंगे। तो अभी हमारे साथ परवीन है, हम तो अकेला तो हो नहीं, अभी फटाफट से मैं इस डिब्बे में कर लेता हूँ, उसके बाद हम करेंगे बहुत ही धमाल। धमाल होने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास परवीन है, परवीन इसको खोलते जाओ और हम इसमें घुसाते जाएंगे। फटाफट से इसमें कर देते हैं और ठीक जाए छ कर देते हैं, अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। कंपनी वाला भी कितना कम कम माचिस देने लगा। देखो इसमें अगर गिनती करेंगे तो बहुत ही कम माचिस आएगा, फिर भी क्या कर ले लेते हैं। देखो पैसा तो ये आता है। अच्छा अच्छी तरह से हम यहाँ पे डाल देते हैं। 5 और 6 डाला है तो इतना हुआ है, अब आगे कितना होगा पता नहीं। लेकिन सारा इसमें डालने वाला है हम। खत्म हो गया था तो मैंने दोबारा दूसरा पैकेट, मैंने 6 पैकेट इसमें चला गया है और अब 7वां पैकेट इसमें डाल रहे हैं। लगता है 7वां में भी नहीं भरेगा, तो अब डाल के देख लेते हैं। गाइस यार यहाँ पे मैंने बहुत सारा माचिस को खोल खोल कर इस डब्बे में डाल दिया है। अब डब्बा भी बिल्कुल पूरी तरह से आग लगने के लिए रेडी है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बड़े बड़े एक में 6 पीस वाला जो पैकेट आता है वो मैंने इसमें पूरा का पूरा डाल दिया है। और अब होने वाला है बहुत ही कमाल, क्योंकि अब मैं इसमें लगाने वाला हूं आग, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं चेक करने वाला हूं कि एक माचिस की तिल्ली इतना ज़्यादा आग बना सकता है, तो इतना सारा जो माचिस का तिल्ली है वो कितना सारा आग बनाएगा, क्या आगे क्या होने वाला है वीडियो में पता नहीं। लेकिन अब मैं जब इसमें आग लगाऊंगा तो क्या ये बोतल ब्लास्ट कर जाएगा या बोतल धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है। मैंने कांच का यूज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कांच का यूज करता तो ये गर्म होकर फट भी सकता था और हमें इससे नुकसान होता। तो मैं ऐसा नुकसान होने वाला कोई भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल यूजफुल और धमाकेदार। क्योंकि इस धमाकेदार वीडियो में हम अब लगाने वाले हैं आग। तो चलो फटाफट से पहले मैं एक माचिस की तीली इसमें आग लगाकर डाल देता हूँ। बहुत सारे आदमी तो ढक्कन खोल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ढक्कन बंद करके एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे क्लोज कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा छिद्र कर दिया है, क्योंकि मैं ऊपर से नहीं नीचे से आग लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने इतने सारे सलाई को इसमें डाल करके ये अब आग लगाने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नीचे से आग लगाता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पर जब एयर होगा तो एयर देखने में कैसा लगेगा और आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप लाइक करो और बिट चैनल को सब्सक्राइब करो। आग लगा देता हूँ। आग लगाने के लिए मैंने 1-2 माचिस की तिल्लियाँ जो है यहाँ पर आसपास में छोड़ दिया है। तो अब मैं जला लेता हूँ आग। ये जल चुका है और मैं लगाने वाला हूँ आग।
ओ भाई ये तो आग लग गया। ओ तेरी देखो ये बोतल ही जलता जा रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं भाई। देखो ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये तो बम के जैसे फूट रहा है भाई। धीरे धीरे जिस माचिस में आग लगता है ना वो माचिस अलग अलग सा, और देखो यहाँ पे हीट भी बन रहा है। ओ तेरी ओ भाई ये तो उल्टा हो गया, बोतल एक तरफ से जलने लगा। लेकिन अभी भी जो है माचिस थोड़ा सा जला है ना, आगे क्या होगा पता नहीं। यार मैंने सोचा था ये उड़ जाएगा लेकिन उड़ा नहीं। देखो ओ भाई यहाँ पर पीछे में जो है थोड़ा सा एयर बन रहा है, यहाँ पे देखो ये धुआं धुआं सा हो गया। ओ तेरी ये तो बम के जैसा हो रहा है यार। देखो जिसमें जो आग लगते जा रहा है और धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है ना, पूरी अच्छी तरह से इसमें जो है ये देखो अब ये नीचे भी गिरने वाला है। अगर ऊपर से आग लगाना बेवकूफ़ी हो गया मेरे ख्याल से, लगता है इसको अब नीचे से आग लगाओ के हमको देखना चाहिए। ओ तेरी टेढ़ा हो गया है ये, पर फिर भी ये जल रहा है, बोतल भी इसके साथ लेकिन बहुत सारे माचिस को जलाने के बाद मिसाल यहाँ मैं क्या करता हूँ इसको नीचे गिरा देता हूँ। भाई आग बंद होने के बाद तो धुआं जायज है। प्लास्टिक जम चुका था तो इस प्लास्टिक को मैं हटा देता हूँ। अब यह ड्राम जो था, ड्राम का ढक्कन जो था बंद था, हो सकता है इसके अंदर एयर बन रहा हो गर्म के वजह से, तो इसके लिए मैंने वहाँ पर नीचे छोड़ दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।